खरगोन जिले के टांडा बरूण की महिला सोनमबाई पति सेवकराम निवासी बरूण के परिवारजनों द्वारा बताया गया कि रात्रि 3 बजे डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के दौरान ड्यूटी नर्स दीक्षा मेश्राम के द्वारा लापरवाही कर सही इलाज नहीं किया गया, जिसके नवजात शिशु की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि दीक्षा मैडम अपने कार्य के प्रति लापरवाही हमेशा बरतती हैं। साथ ही रात्रि का समय था और बार बार मैडम को नींद से खड़े कर प्रसूता के पास बुलाने पर भी वह समय पर नहीं आई, जिससे शिशु की मौत हो गई। ऐसे निष्क्रिय कर्मचारियों को सेवा से पृथक करना चाहिए, अन्यथा कई ऐसे मासूम बच्चे मौत की आगोश में चले जाएंगे। इस पूरे मामले की जाँच कर नर्स दोषी दीक्षा मैश्राम पर उचित कार्यवाही कर दंडित किया जाए। इस संबंध में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशा डावर के द्वारा बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, फाइल के आधार पर बच्चे का वजन कम था, उसका सिर भी बड़ा हुआ था, उसको गर्भ से ही परेशानी थी, गर्भ में ही शिशु की मौत होना बताया गया है। वहीं परिजनों द्वारा इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। मैम, आपके द्वारा कल नर्स की एक ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके चलते हुए एक घटना घटी है, जो शिशु की मृत्यु हो गई है, इस संबंध में क्या कहना है? अब वो अकेले, उनकी दक्षता की तो ट्रेनिंग हो चुकी है, जो सिस्टर थी, अब उनको ट्रेनिंग के हिसाब से काम करना चाहिए था। और हाँ, नहीं किया, पर उनका ये बोलना है कि जन्मजात विकृति था बच्चे को, उन्होंने ऐसा उनका ये बोलना है। परिवार वालों का कहना है कि हमें तो उनको बताया भी नहीं गया और उसे उसको बोल दिया गया कि मृत्यु हो चुकी है बच्चे की। पर ये तो अभी मैंने नोट्स देखा तो उसमें तो नोट्स जले हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा बोला है कि हाँ, हमने बच्चे को दिखाया, नोट्स जला हुआ है और पेशेंट की साइन भी है। ड्यूटी मैडम का क्या नाम है? दीक्षा मेश्राम। क्या नाम है? मैं किरण चौहान हूँ। आप लोग सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए गए थे, वहाँ आपको सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण आपका डिलीवरी के बाद आपका बच्चा शांत हो गया, क्या कहना है? वहाँ पर नर्स एक थी और उसने न तो बच्चा का तोल किया, न उसकी धड़कन उसने देखी और न कई सुविधा थी, और उसको बोल दिया बच्चे वाली बाई को कि तुम यहाँ से ले जाओ। फिर भी वो नर्स गई थी, साथ में दाई बाई गई थी, उसने बोला कि नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से डिलीवरी कराए ही के जाऊँगी। तो हमने उसको बोला दीक्षा मिश्रा को, तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई साधन है नहीं। और हमने बोला कि नहीं तो हमारे परिजनों को तुम फोटो बच्चे की दिखा देते तो इतना कोई विवाद नहीं होता। उसके बाद वो बोली कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो परिजनों को बच्चा सौंप दिया था। उसके बाद वो चली गई। वो बच्चे को क्या करा थी? बच्चे को गाड़ दिया, दफना दिया। किन्होंने उसको दफनाया? वो बच्चे के परिजनों ने। मैडम ने बच्चा परिजन को दिया और जानकारी पूरी नहीं दी गई पूरी आपको? ना तो बच्चा का तोल किया, ना बच्चा की धड़कन देखी गई। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी रही वहाँ? असुविधा है वहाँ। आप सुविधा तुम करो तो कोई के साथ एक घटना नहीं होगी, नहीं तो एक घटना बढ़ती जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम है उषा, मेरा पति का नाम ग्यारसी लाल। क्या नाम है आपका? सोनम। पति का नाम? सेवक राम। मैम, आज लक्ष्मीबाई अस्पताल में कल एक घटना घटी है शिशु मृत्यु की, जो परिजनों ने आरोप लगा है कि अस्पताल में सुविधा ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इस संबंध में क्या कहूँगी? जो बच्चे की मृत्यु हुई है वो गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो चुकी थी, और उसको जो है कॉन्जुनाइटल डिफेक्ट था, उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ था बच्चे का, और उस वजह से बच्चे की मृत्यु हुई है। और बच्चे का जो वज़न है वो भी बहुत कम था, सिर्फ 1.5 किलो था, जिसको कहा जाता है LBW बेबी कहा जाता है। नॉर्मल बच्चे का वज़न होना चाहिए 3 किलो से ज़्यादा, और इसमें बच्चे का वज़न सिर्फ 1.5 किलो था। मैडम, ये 30 बेड का अस्पताल होने के बाद भी एक नर्स के ऊपर रात्रि के समय पूरा अस्पताल निर्भर रहता है, इस संबंध में क्या कहूँगी? इसमें जो हम लोग का रहता है, हम लोग का रोस्टर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते होते हैं। हमें तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं दिखा, एक नर्स के अलावा। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं हो पाता है। तो सुविधा क्यों नहीं है? CSC होने के बाद सुविधा क्यों नहीं?
ये इसके लिए हम बात करेंगे अपने जो हमारे से हेड जो बीएमओ सर हैं उनसे बात करेंगे और इस चीज़ का हम निराकरण निकालेंगे। एक्सरे मशीन भी यहाँ पर है और उसका भी कोई एक्सरे मशीन का अभी इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये है कि एक्सरे मशीन आई है बट उसका इंस्टॉलमेंट होगा। हमारे और स्टाफ मेंबर्स की जो टेक्निकल जो लोग होते हैं उन लोगों की सुविधा में ही हो पाएगा एक्सरे का इंस्टॉलमेंट। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर रचना डावर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।